हेलो स्टूडेंट्स आई एम गुरविंदर कौर फैकल्टी एट अभिमन्यू आई एस अभिमन्यू आई एस जो लास्ट ट्वेंटी फाइव ईयर से स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द आई ए एस एंड पी सी एस एग्ज़ामिशन एंड नंबर वन इंस्टीट्यूट है इन दिस ट्राई सिटी और स्टूडेंट आज यहाँ पे स्टूडेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा पी वाई क्यू ठीक है और जो हमारा पेपर है दैट इज़ अवर ट्वेंटी ट्वेंटी अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे न्यू है इस टाइम पे मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वो देख रहा है तो स्टूडेंट आप जो है पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए और फिर इस पे आइए ठीक है जी क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो हमने पीछे डिस्कस किए होंगे ठीक है तो आप जो है वो स्टार्टिंग से देखना ठीक है जी ओके तो ट्वेंटी ट्वेंटी के अंदर क्वेश्चन नंबर हम सेवेंटी फाइव तक हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं अच्छा अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है स्टूडेंट ये और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ठीक है जी मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो डोएबल होते हैं पेपर के अंदर आपके स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे हम उन्हीं की बात करते हैं ठीक है ओके तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे क्वेश्चन आपके सामने मेरे साथ साथ रीड किया करो क्वेश्चन को ठीक है कहता विद रेफरेंस टू द उदायगिरी खांडगिरी केव्स ये केव मतलब गुफाओं की ये बात कर रहा है जो पुराने टाइम पे गुफाएं बनाई जाती थी पहले क्या होता था ना पहले वाले टाइम पे क्या करते थे लोग इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होता जैसे अभी होते ना बिल्डिंग्स होती है पूरे इंजीनियरिंग यू नो उसमें करके फिर करते पहले क्या करते थे पहले वाले टाइम में जो रॉक हुआ करती थी ठीक है उसको अंदर से क्या कर लेते थे थोड़ा तोड़ लिया करते थे या पहले से अंदर थोड़ा बहुत अगर तोड़ा हुआ है तो उसी को क्या कर करते थे वो कट कर लेते थे और बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मतलब बना लेते थे और ऐसे होते थे कि अब पत्थर है वो टूटेगा तो नहीं इतनी आसानी से ठीक है बहुत ही ड्यूरेबल और लॉन्ग टाइम वाली ऐसी मतलब यू you नो know, ऐसी रहने की जगह बन जाती थी वो रेजिडेंशियल प्लेस बन जाता था लॉन्ग तो टाइम तक आप रह सकते हैं ऐसे ऐसे केव्स आपको बहुत दिखाई दे मिलेंगी अगर आप कभी घूमने जाओ महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उड़ीसा वाली साइड तो आपको बहुत सारी ऐसी केव्स मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे जो रॉक है वो बहुत आ, अच्छा खासा यहाँ पे मिलता है हमें रॉक स्ट्रक्चर जो है खास करके जैसे हमारी वेस्टर्न हिल्स हो गई ठीक है वेस्टर्न घाट्स हो गए हमारे ठीक है इधर वाली साइड हमारी इधर वाली साइड ईस्टर्न घाट यहाँ पे मैकल रेंज बहुत सारी रेंज है रेंजेज़ है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे बहुत सारी केव्स बनी हुई हैं बच्चे ठीक है जो अलग अलग पर्पस के लिए बनाएगी कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए बनाएगी कुछ वैसे किसी पर्पस से बनाएगी कुछ जैसे मान लीजिए पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे आपको किसी रिलीजियस टूर पे जाना है ठीक है तो रस्ते में क्या होता है आपको रुकने के लिए जगह भी तो चाहिए ना ये तो इस तरीके से प्लेसेस बनाए हुए थे जिनकी हिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है और इवन आप विजिट भी कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है मतलब आपको बिलीव नहीं होगा कि इतने हज़ारों सालों से ये इतनी अच्छे से मैंटेन कैसे हैं और इतना मतलब कैसे हो सकता है कोई स्ट्रक्चर इतना अच्छा ठीक है आप प्लीज़ जब भी आपको मौका मिले आप ज़रूर घूमने जाना ठीक है अजंता एलोरा उसकी इनकी गुफाएं ठीक है ओके बात करते हैं स्टेटमेंट की तो पहली स्टेटमेंट देखिए कहता है दे आर द एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट केव ट्रेडिशन रॉक को कट करके इसमें बनाया गया है दूसरा कहता है दीज केव्स हैव इंस्क्रिप्शंस ऑफ खैर वाला किंग ठीक है यहाँ पे खार वाला जो किंग्स हैं ठीक है उस टाइम पे किंग यहाँ के रूलर रहे कहता इंस्क्रिप्शन मिलती हैं हमें वहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की भी बात करें ना बच्चे तो हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी हमें बहुत अच्छा खासा मिलता है ठीक है क्योंकि उस टाइम पर रिटर्न फॉर्म में हिस्ट्री नहीं होती थी जैसे मान लो कोई रॉक है उसके ऊपर इंस्क्राइब कर दिया कोई कॉइंस है उसके ऊपर इंस्क्राइब कर दिया कुछ कुछ कोई अपने पास कोई स्कल्पचर है उसके ऊपर इंस्क्राइब कर दिया तो इस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है अपनी हिस्टोरिकल ठीक है अच्छा आगे बात करता है कहता है दीज केव्स आर प्राइमरली मेंट फॉर द बुद्धिस्ट मॉक्स ठीक है बुद्धिस्ट जो रिलीजन है और जैन जो है वहाँ पे आपको मॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा यू नो क्वेश्चन बनते हैं ठीक है कि वो कहाँ कहाँ रहते थे किस एरिया में यू you नो know, उनका ज़्यादा वो था गढ़ था किस एरिया में वो ज़्यादा आते थे ठीक है कहाँ कहाँ पे उनकी रिलीजियस प्लेसेस हैं टेंपल्स कहाँ कहाँ पे हैं जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो कहता है कि जो खार वाला जो किंग यहाँ की जो केव्स हैं हमारी उदयगिरी खानगिरी की जो केव्स हैं स्टूडेंट ये स्पेशली बनाई गई फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स मॉन्क्स पता है आपको कौन थे मोंग स्टूडेंट वो होते थे जो बुद्धिज़म रिलीजन को फॉलो करते थे ठीक है अपना घर बार छोड़ के वो सिर्फ़ और सिर्फ बाहर यू नो जंगलों में केव्स के अंदर रह के वो मेडिटेशन करते थे ठीक है दुनियादारी से इतना खास उनका कोई लेना देना था नहीं मतलब घर गृहस्थी से ठीक है बस वहीं पे वो मेडिटेशन करते थे और खाने पीने का जो भी यू नो उनका रहता था वो सब उनका भिक्षा पे रहता था मतलब कि मांग कर और दूसरों का जो डोनेट करते थे वो बस उन्हीं से वो उनका काम करते थे ठीक है अदरवाइज वो मेडिटेशन में ही फोकस करते थे और लोगों को यू you नो know, उनको एक वे दिखाते थे ठीक है डायरेक्शन प्रोवाइड करते थे अभी भी आप देखिए संत गुरु जो है वो उनका मेन काम किया आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना लाइफ के अंदर कि आपको क्या सही करना और क्या सही नहीं है इसके बारे में आपको बताना अच्छा अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टूडेंट जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे ठीक है वो हमारी गलत है यहाँ पे क्यों क्योंकि ये बुद्धिस्ट मोहनी स्टूडेंट जैनिज्म जो जैन के जो मॉक्स हैं स्टूडेंट उनके लिए स्पेशली ये केव्स थी अब देखो थर्ड ऑप्शन जैसे ही हमारा लिमिनेट हुआ तो बी भी गया बी भी गया बच्चे और हमारा डी भी गया बचा कौन सा हमारे पास सी और ए तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट दैट इज अवर सी वन एंड टू ठीक है वन एंड टू जो है हाँ ये एग्जाम्पल है रॉक कट केव का बिल्कुल सही इंस्क्रिप्शन मिलता है हमें यहाँ पे खैर वाला किंग्स का बिल्कुल किसमें उदयगिरी खानगरी ठीक है जी ओके 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 तो ओके ठीक है जी आगे हम सेवेंटी सेवन हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है बच्चे खास करके जो हमारी फिलॉसफी है वहां से क्वेश्चन बनता है ये ठीक है वर्ड की जो फिलॉसफी है यू नो दैट की पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो स्पेशली मेंशन है हमारे प्रे, प्रेलिम्स के अंदर तो पॉलिटिकल थ्योरीज पॉलिटिकल थॉट्स इन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे आज यहाँ पे ना मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि किन किन की थ्योरी आपको थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है नेट से ठीक है मैं बता देती हूँ आपको थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिए पेपर -पे पेन लेकर ठीक पे, है देखो यहाँ पे समझो इस चीज़ क्वेश्चन पढ़ते कहता वट अबाउट द दट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुंस डिड जॉन लॉक ठीक है जॉन लॉक पहला ये एक फिलोसोफर है स्टूडेंट एक वेस्टर्न फिलोसोफर है याद रखिए जॉन लॉक जॉन लॉक ठीक है दूसरा है बैरोन एंड थर्ड वन इज अवर मॉन्टक्यू एंड फोर्थ वन इज अवर जीन जैकब रॉसो ठीक है और फिर हमारा वॉल्टियर आपको इसका बॉन्डा इन चारों का ना आपको वन टू थ्री एंड फोर इन चारों को आप सिंपल क्या करना बच्चे जैसे जॉन लॉक है जॉन लॉक ऐसे सर्च करना जॉन लॉक फिलोसफी फिलोसफी ठीक है यूपीएससी ऐसे जरूर लिख लेना यूपीएससी क्योंकि फिर वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताते हैं ऐसे विकीपीडिया खोलोगे ना आप तो फिर वो बहुत सारा कंटेंट आ जाता है फिर नहीं समझ में आता क्या आता है क्या नहीं ऐसे लिखना यूपीएससी जो भी साइट आपको सही लगे ठीक है वहां से क्या करो आप नोटबुक के ऊपर बस आप लिख लीजिए नोट कर लीजिए पॉलिटिकल थ्योरीज के नोट्स बनाने के मैं आपको तरीके बता रही हूँ जो पॉलिटिकल थॉट्स देखे ना हमने कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं है ना कभी वो जॉन लॉक के बारे में पूछता है कभी रॉसो के बारे में पूछता है कभी सोक्रटिस के ऊपर पूछता है वो कभी इंडियन जैसे कांतियन फिलोसफी वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे करके जो ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो फिलोसफर्स है ना बच्चे मैं आपको उनके बारे में बता देती हूँ जिनके पास तो देखो फिलोसफी ऑप्शन है ऑप्शनल है जहाँ जिनके पास ग्रेजुएशन वो कर रहे हैं उनको इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली बट आपको जरूर आने वाली है तो मैं ना आपको बस एक लिस्ट सी दे देती हूँ ठीक है आगे भी जब कोई आएगा तो मैं आपको बता दूंगी ठीक है तो आप क्या कर सकते हो बस सिंपल लिखो जॉन लॉक फिलासफी यूपीएससी तो नीचे उसके ना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे उनको आप एक नोटबुक पे एक स्पेशल नोट नोटबुक लगा लो छोटी सी डायरी उसमें आप उसको लिख के रख लो अपना ठीक है ओके ये बात क्लियर हुई आपको ठीक है ओके तो बस इतना ही करना है आपको और अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो वेल एंड गुड है ना आए तो समझ लेना कि किसी को नहीं आता फिर ठीक है क्योंकि जितना रिसर्च करके आप पढ़ के गए हो इतना तो कोई नहीं गया ठीक है ओके ठीक है जी ओके नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन कहता है कहता, Locke, uh, Monskew, uh, Jack, uh, कहता States, है व्हाट इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस डिड जॉन लॉक मॉन्सक्यू जीन जैक जैको रॉसो एंड वॉल्टियर हैव ऑन द यूनाइटेड स्टेट कहता है यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है उसके ऊपर उसका क्या इन्फ्लुएंस था इन चारों फिलोसफर्स का ठीक है तो अब इनके बारे में उसने स्टेटमेंट दिया है पहले में कहता है कहता है दे वर यूरोपियंस हु केम टू हेल्प द अमेरिकन फाइट द ब्रिटिश इन द रेवोल्यूशन पहला कहता है कहता है ब्रिटिश देवर यूरोपियन कहता वो यूरोपियन थे जो आए अमेरिकन में अमेरिका में आए टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश यू you नो know दैट कि अमेरिका जो था वो कॉलोनी था स्टूडेंट सिक्सटीन सेंचुरी के अंदर किसकी ब्रिटिशर्स की ठीक है फिर वो इंडिपेंडेंट होता है स्टूडेंट ठीक है सेवनटीन एटी वन में पता नहीं इस मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ उस टाइम पे वो इंडिपेंडेंट हो जाता है ठीक है कौन अमेरिका ठीक है ओके okay. तो ये कहता है कि वो यूरोपियन ही थे जो आए थे अमेरिका के अंदर ठीक है टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके जो थाट प्रोसेस थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया किसको अमेरिका के लोगों को नेक्स्ट में वो बात करता है कहता दे वर यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स कहता वो यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर्स थे वो इन्फ्लुएंस्ड द आइडिया ऑफ अमेरिकन लीडर्स एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन कहता जब रेवोल्यूशन हुआ उस टाइम पे उन उनके आइडियाज़ ने इन्फ्एंस किया किसको अमेरिकन लीडर्स को अच्छा फिर फोर्थ स्टेटमेंट में कहता है कहता है देवर यूरोपियंस हुज़ इन्वेंशन स्पार्क द अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अराउंड द एटीन हंड्रेड कहता है ये ऐसे लोग थे जिन्होंने यू नो इन्फ्लुएंस किया किसको अमेरिकन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को किस में अठारह सौ में पता होना चाहिए बच्चे कि अमेरिकन रिवोल्यूशन जो है वो एटीन हंड्रेड में पीक पे था ठीक है पहले जो uh, हमारा जो इंडस्ट्रियल uh, रिवोल्यूशन आया बच्चे वो ब्रिटेन के अंदर आया फिर धीरे धीरे अदर यूरोपियन कंट्रीज में आया और फिर हमारा अमेरिका के अंदर आया ठीक है ये बात आपको तो क्रिस्टल क्लियर समझ होनी चाहिए नेक्स्ट डे में कहता है कहता है दे वर यूरोपियन फिलोसफर्स हु मेट विद द थॉमस जेफरसन ठीक है टू ड्राफ्ट द डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहता है वो जो थे वो मिले किससे थॉमस जैक जैफरसन से टू ड्राफ्ट द डेक्लेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो डेक्लेरेशन हुआ था किसका इंडिपेंडेंस का जो डेक्लेरेशन था किसका अमेरिका का ठीक है वो उन लोगों से मिले थे ये ऐसे यूरोपियन फिलोसोफर थी ठीक है यहाँ पे ये चार स्टेटमेंट आपको देता है अब आप पढ़ लीजिए बच्चे इसको अच्छे से ठीक है चारों स्टेटमेंट को थोड़ा सा आइडिया लीजिए हाँ जी स्टेटमेंट उसने कैसे सेट की हुई है ठीक है थोड़ा सा आइडिया लो बच्चे क्योंकि तो पढ़ना बहुत जरूरी है अगर पढ़ोगे नहीं फिर पता नहीं चलेगा ठीक है अभी चारों स्टेटमेंट को देखो कुछ समझ में आया हाँ जी

नेक्स्ट सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन पढ़िए सेवेंटी एट नंबर क्वेश्चन पढ़ो 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 फटाफट पढ़ो कहता है फ्रॉम जुलाई सेवनटीन टू अगस्त टू 1945, फोर्टी लीडर्स फ्रॉम द अलाइड नेशंस, अलाइड नेशंस मेट एट द पोस्टर डैम कॉन्फ्रेंस टू डिसाइड द सेंक्शंस टू बी पुट इन प्लेस अगेंस्ट द रिसेंटली डिफीटेड नाजी जर्मनी आपको पता होना चाहिए बच्चे 1945 के अंदर कौन डिफीट हुआ था जर्मनी दोनों ही दोनों वर्ल्ड वॉर जो है ना वो शुरू भी जर्मनी की वजह से होते हैं और फिर हारता भी दोनों टाइम जर्मनी ही है ठीक है पहली बार भी जर्मनी हारता है सेकेंड टाइम भी जर्मनी हारता है सेकेंड टाइम वो हिटलर की वजह से हारता है उस टाइम पे हिटलर का रूल था नाजी पार्टी का रूल था जर्मनी के अंदर ये बात आपको पता होनी चाहिए ठीक है अच्छा कहता है फ्रॉम जुलाई सेवनटीन टू अगस्त टू अगस्त आपको पता है उस टाइम तक वर्ल्ड वॉर जो है वो ओवर हो चुकी थी था लीडर्स फ्रॉम द अलाइड नेशन अलाइड कौन कौन सी कंट्रीज थी पता होनी चाहिए दो पावर्स थी बच्चे एक तो अलाइड दो पावर्स थी हमारी वर्ल्ड वॉर वन के अंदर टू के अंदर सॉरी ठीक है दो पावर्स थी हमारी पहली अलाइड और एक थी हमारी एक्सिस पावर थी, दो पावर्स थे समझो इस चीज को अलाइड में कौन कौन इन्वॉल्व थे मेनली यूएसए यूके यूएसएसआर ठीक है और फ्रांस चार मेन कंट्रीज थी बच्चे ये बात आपको याद रखनी है हमेशा कि चार मेन कंट्रीज थी एक तरफ वर्ल्ड वॉर वन के अंदर कौन कौन सी यूएसए यूके यूएसएसआर, फ्रांस ये बात समझ में एक्सिस वाली साइड थी हमारी जर्मनी पोलैंड जापान और इटली ये मेनली थी हमारी कौन सी एक्सिस पावर और एक्सीज पावर में भी जो मेन गेम खेल रहा था यहां पे वो खेल रहा था जर्मनी के अंदर हिटलर ठीक है यही शुरुआत करता है ठीक है हिटलर जो है है ठीक जर्मनी के अंदर और उसकी जो पार्टी थी वो कौन सी पार्टी थी नाजी पार्टी याद रखना नाजी पार्टी ठीक है जी ओके तो देखते कहता है फ्रॉम जुलाई अच्छा इसमें लीडर्स फ्रॉम द अलाइड नेशन मेट वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं पोस्टा डैम कॉन्फ्रेंस करते हैं टू डिसाइड द देंक्शन पुट अगेंस्ट द रिसेंटली डिफीटेड अच्छा देखो वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ जब ख़त्म हुआ उस टाइम पे जर्मनी जब हार गया उसने सरेंडर कर दिया हिटलर यहाँ पे मारा मारा जाता है वो सुसाइड कर लेता है एंड आफ्टर दैट जब जर्मनी हार जाती है ठीक है डिफीटेड नाजी जर्मनी तो उस टाइम के बाद क्या होता है ना कॉन्फ्रेंस होती है ठीक है किन की अलाइड नेशन की मतलब कि उसके अंदर यूएसए यूके यूएसएसआर फ्रांस इन सब के मेम्बर्स होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई अब जो है अब क्या करना है ठीक है अब इसके बाद क्या करना है सो दैट वर्ल्ड वॉर थ्री के चांसेस ना बने ठीक है तो यहां पे ये मतलब वो लेके आते हैं ठीक है अब देखो चार स्टेटमेंट दी हुई हैं पहला कहता है ब्रॉट बैक टू देयर प्री वर्ल्ड वॉर वन लेवल पहले स्टेटमेंट में कहता है कहता है इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड होता है कि हम जो है ना प्री वर्ल्ड वॉर वन मतलब कि वर्ल्ड वॉर वन से पहले वाला टाइम लेकर आएंगे वापस से कहाँ पे जर्मनी के अंदर ठीक है जर्मनी में जो भी इंडस्ट्रीज हैं ऑब्वियसली स्टूडेंट कोई भी कंट्री है ठीक है वो किसी कंट्री पे अटैक कर रही है मान लो एक कंट्री जो है वो ए है ए कंट्री है हमारे पास ए कंट्री और एक बी ठीक है ठीक है एक कंट्री और ले लेते सी अब जो ए है वो ए पे भी सी पे भी अटैक करती है बी पे भी अटैक करती है इसका मतलब क्या है कि ए कंट्री के पास बहुत अच्छी खासी पावर होगी पावर मतलब कि इकोनॉमिक पावर नॉट ओनली पॉलिटिकल पावर इकोनॉमिक पावर मतलब कि भाई अच्छा खासा पैसा होगा रिसोर्सेज हो गए तभी तो आप वॉर लड़ोगे ये सो सिंपल सी बात है अगर आपके अंदर जान ही नहीं आप लड़ कैसे लोगे आप नहीं लड़ सकते आपके पास पावर ही नहीं है जब है ना आपके सामने वाला बंदा आपकी सुन ही नहीं रहा क्योंकि आपके पास पावर नहीं है बट जब पी ऑफिसर बन जाओगे तब आपकी हर बात सुनी जाएगी क्यों क्योंकि अब आपके पास पावर है तो सिंपली यहाँ पर भी वही लॉजिक लगता है यहाँ पर तो एक कंट्री जो है अगर बार बार अटैक कर रही है तो बी और सी यहाँ पे जो है वो यही करेंगे ट्राई करेंगे कि जो ए है वो इंडस्ट्रियल इतना ज़्यादा पावरफुल ना बन पाए कि वो दोबारा हम पे अटैक कर दें या फिर वो क्या करेंगे इस पर सेंशन लगाएंगे कि हाँ जी आप रुक जाओ या फिर वो दोनों मिलकर यहाँ इसको मतलब टैकल करना है कुल मिला के एक उसको क्या करना है टैकल करना है चाहे किसी भी तरीके से करो चाहे बात करके टैकल करो चाहे फिर ट्रीटी साइन करके करो कुछ भी करो ठीक है तो उसी चीज से वैसे ही यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन लिया जा रहा है ठीक है अबाउट द जर्मनी दूसरी स्टेटमेंट में कहता है कहता था गवर्नड बाय द फोर्सेस ऑक्युपाइड बाय द ऑक्यूपाइड द कंट्री कहता जो फोर्सेस ने जर्मनी को एक्वायर किया आपको भी पता है जर्मनी के दो पार्ट हो जाते हैं उस टाइम पे ठीक है बीच में एक वॉल आ जाती है ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मनी ठीक है कहता गवर्न कहता उसको गवर्न करो उन वो पावर जो इसको ए, फिलहाल जिसने उन्हें ऑक्यूपाई किया इस कंट्री को थर्ड स्टेटमेंट में कहता है, कहता डिसेबल्ड इन ऑर्डर टू तो डिस्ट्रॉय द पोटेंशियल फॉर वॉर कहता उसको कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय कर दो मतलब उसकी मिलिट्री वगैरह आपको इसका सबसे जीता जाता है एग्जाम्पल है जापान जब जापान के ऊपर उसके दो सिटीज के ऊपर स्टूडेंट क्या कर दिया जाता है बॉम्ब फेंक दिया जाता है मतलब कि एटॉमिक बॉम्ब जब फेंक दिया जाता है बच्चे तो उस टाइम के बाद आप देखिए आज तक जापान ने अपनी आर्मी नहीं बनाई है कभी भी क्या आपने कभी सुना है कि जापान की खुद की मिलिट्री है नहीं उसके पास नहीं है क्यों क्योंकि वो किसके अंडर है यूएसए के अंडर है यूएसए उसकी प्रोटेक्शन करते हैं मान लो आज अगर कोई कंट्री जापान पे अटैक कर दे तो ऐसा माना जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर यू नो मिटी या जो भी उन्होंने साइन कर रखे है कि वो ऐसा माना जाएगा कि वो आप जो है आपने यू एस ए पर अटैक किए तो यू एस ए की मिलट्री जो है वो उसके अगेंस्ट उतरेगी जो भी कंट्री जापान पर अटैक करेगी ठीक है यसो नो अभी आप देखिए जो नॉर्थ कोरिया वो बार बार जापान को धमकी क्यों देते हैं क्युं? क्यों क्योंकि उसको पता है कि जापान की खुद की आर्मी नहीं है वो अंडर है किसके अमेरिका के है ना अमेरिका को वहाँ वहाँ तक नहीं जा सकता वो इतना बड़ा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके जा भी सकते हैं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बट हाँ वो पास वाली टेरिटरी को वो क्या कर रहा है टारगेट कर रहे है हालांकि जापान की खुद की को थोड़ी कोई गलती थोड़ी है कि जापान का कोई नॉर्थ कोरिया के साथ इतना कोई खास खुद का पर्सनल झगड़ा नहीं है नॉर्थ कोरिया का मेन झगड़ा किसके साथ है यूएसए के साथ है क्योंकि वो उस पर सेंक्शंस लगाए हुए हैं ठीक है ओके ठीक है उसी चीज़ को समझते हैं नेक्स्ट है कहता है बिकॉज द वार हैड डैमेज दैम ठीक है मतलब उसको रीवर्टिलाइज़ कीजिए कि वार की वजह से वो बहुत ज़्यादा उसमें डैमेज हो गया ये चार स्टेटमेंट है बच्चे तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे उसने पूछी है हाँ जी बताइए स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट बनेगी हमारी हाँ जी बताओ कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बनेगी यहाँ पे दैट इज अवर सी सी स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट डिसबल्ड करो सो दैट पोटेंशियल वॉर जो है दोबारा ना बने यहाँ पे डिसेबल्ड इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द पोटेंशियल फॉर वॉर ठीक है डिसबल्ड कर दो इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय पोटेंशियल फॉर वॉर ठीक है वो आगे के लिए वॉर ना लड़ सके इसके लिए उसको डिसेबल करना पड़ेगा मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है बस उसके ऊपर सेंशंस लगाओ उसकी मिलिट्री को कंट्रोल करो ठीक है सो so दैट वो दोबारा से वहाँ पे मिलिट्राइजेशन ना हो दोबारा से इतना ज्यादा आर्मी पावरफुल ना हो ठीक है ओके नेक्स्ट है सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो बच्चे अच्छा यहाँ पे मिलाना है आपको पर्सनैलिटीज हैं और एक तरफ मिजल्स हैं मिसल्स हैं आपको पता होना चाहिए की? कि आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी और उसके बाद कौन से हमारे बाबा बंदा सिंह बहादुर के बाद जब उनको डिफीट कर दिया जाता है और फिर जो है वो मुगल जो एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है यहाँ पे वीक हो जाते हैं फिर पंजाब को गवर्न करने के लिए बच्चे पंजाब को पूरे पंजाब को गवर्न करने के लिए यहाँ पे क्या बना दी जाती हैं अलग अलग मिसल्स बना दी जाती हैं जिनको अलग अलग पर्सनैलिटीज जो थी वो क्या कर रही थी तो गवर्न कर रही थी गवर्नेंस के परपज से बच्चे गवर्नेंस के पर्पज से यहाँ पे मिसल्स जो हैं वो क्रिएट की जाती हैं ठीक है उसके बाद जो हमारे जो हमारे ग्रेट रूलर थे महाराजा रंजीत सिंह महाराजा रंजीत सिंह सारी मिसल्स को इकट्ठा करते हैं मतलब कि एकजुट करते हैं पंजाब को ठीक है पंजाब का एकीकरण एक के लिए महाराजा रंजीत सिंह का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे तो उसी पे यहाँ पे बात कर रहे हैं कहता कौन सी मिसल जो है वो कौन सी किसके अंडर थी ठीक है यहाँ पे इसने बताया एक चार आपको नाम दे दी हैं एक तरफ मिसल्स की पर्सनैलिटीज के वो दे दिए नाम दे दिए अभी आपसे इसने पूछा कि हाँ जी करेक्ट मेरे को यहाँ पे बताओ ठीक है तो सेवेंटी नाइन का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चे दैट इज अवर ए ए इसका करेक्ट ऑप्शन इसका मतलब ए का मतलब कि जय सिंह जो है वो किसको कर रहा है यहाँ पे गवर क्या करनिया को, को, है कन्या को कन्या को ठीक है ओके बी का थ्री मतलब कि दुशांत सिंह जो है वो किसको कर रहा है यहाँ पे बी का थ्री मतलब कि नेकई अच्छा सी का वन सॉरी बी का थ्री बी का थ्री मतलब हीरा सिंह जो है वो नेकाई को कर रहा है यहाँ पे ठीक है फिर सी का वन मतलब दुसान सिंह जो है वो निशान वाला को यहाँ पे गवर्न करेगा मिसल का पावर उसके पास है डी का फोर ठीक है सुक्कर चक्या जो है वो नौद सिंह है आपको पता होना चाहिए सुक्कर चक्या मिसल ही थी स्टूडेंट जहां से हमारे महाराजा रंजीत सिंह निकलते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट एटी नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट पढ़िए बच्चे क्वेश्चन नंबर एट्टी कहता है महाराजा रंजीत सिंह गेव ग्रांट्स टू द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेसेस कौन कौन से ऐसे रिलीजियस प्लेसेज है जिनको वो ग्रांट देते हैं पहला कहता है हरमंदर सिंह हरमंदर साहिब अमृतसर आपको पता है गोल्डन टेम्पल दूसरा कहता है सचनंद हजूर साहिब नादेड़ नादेड़ में भी बच्चे अपना गुरुद्वारा है जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी गए थे ठीक है अच्छा सचखंड हजूर साहिब नादेड़ थर्ड कहता है विश्वनाथ टेम्पल बनारस बनारस के अंदर जो हमारा विश्वनाथ टेम्पल है उसको और फोर्थ ऑप्शन में कहता है ऑल द अबव तो स्टूडेंट यहाँ पे सारे ही पेयर्स जो हैं वो सही हैं डी ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है महाराजा रंजीत सिंह जो बच्चे जो लीडर थे हमारे वो बहुत ही सेकुलर लीडर थे मतलब कि हर एक रिलीजन का उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की है ठीक है हर एक रिलीजन की वो बहुत रिस्पेक्ट देते थे ऐसा माना जाता है कि महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे पंजाब के अंदर जितनी शांति रही आवाम, कोई जितनी शांति मिली वो किसी भी पीरियड के टाइम पे नहीं थी जितनी ज्यादा महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे रूलर थी एटी वन नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे स्क्रीन पे है आपकी उस टाइम का स्टूडेंट क्वेश्चन है अच्छा करंट अफेयर का क्वेश्चन है ठीक है करंट नहीं बोल सकते हम एक्चुअल में इसको मैं करंट में नहीं रखूंगी इसको मैं रखूंगी हमारी जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है ना वहाँ पे कुछ ऐसा डेटा दिया होता है यहाँ इवन जो हमारी गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम जो भी डेटा रिलीज़ करती है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया ठीक है करंट अफेयर में भी रखूँ क्योंकि इसकी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करंट में है तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जो इकोनॉमी का जो चैप्टर नहीं है अपना सोशो uh, इकोनॉमिक वाला वहाँ से ये क्वेश्चन सेट हुआ पहली स्टेटमेंट कहता है एज पर टू थाउजेंड इलेवन सेंसिस द परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर लेबर कॉन्स्टिट्यूट मोर देन थर्टी परसेंट ऑफ टोटल लेबर वर्कर्स इन द स्टेट ऑफ पंजाब कहता है पंजाब के अंदर थर्टी परसेंट से भी ज़्यादा जो लेबर है एग्रीकल्चरल लेबर्स हैं अकॉर्डिंग टू टू थाउजेंड इलेवन सेंसिस पहली स्टेटमेंट में कहते हैं कहता है जो थर्टी परसेंट टोटल वर्क फोर्स है ना पंजाब की वो कौन से कैटेगरी में लाई करती है लेबरर कैटेगरी अच्छा फिर दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं इन टू थाउजेंड नाइनटीन पंजाब हैड नियरली ट्वेंटी फाइव लैख जब ऐसा डेटा दिया होता ना वहाँ थोड़ा रुक जाया करो कि बहुत ज़्यादा है बच्चे ट्वेंटी फाइव लैक हेक्टर अंडर द बासमती विच इज़ लेस वाटर कंज्यूमिंग दैन अदर वेराइटी ऑफ पैडी पैडी मतलब कि जो अपनी जो अपनी चावल की जो खेती है ठीक है उसमें ज़्यादातर जो हमारा ट्वेंटी फाइव लैख हेक्टर जो ज़मीन है वो बासमती के अंडर है क्योंकि वो पानी कम पीती है मतलब कि उसको पानी की कंजम्पशन कम है यहाँ पे ये यह सेकंड स्टेटमेंट में वो कह रहा है ठीक है अभी आप मेरे को बताओ इस करेक्ट ऑप्शन क्या है एटी का जो करेक्ट ऑप्शन है ना बच्चे वो डी है यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत है क्यों क्योंकि पच्चीस लाख हेक्टर नहीं है स्टूडेंट दिस इज ओनली सिक्स पॉइंट फाइव हेक्टर बहुत बड़ा नंबर है ये इतना ही है फैक्टर है कि हमारा जो है अंडर है किसके बासमती राइस के ताकि 25 लाख तो और पहली स्टेटमेंट भी यहां पे गलत है स्टूडेंट ठीक है 30% नहीं है टोटल वर्कर्स ठीक है ये डेटा दे भी यहां पे गलत दिया हो दैट्स व्हाई जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारा स्टूडेंट वो बनेगा डी ठीक है जी ओके ठीक है जी तो आगे वाले स्टूडेंट हम करेंगे क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर ठीक है जी इसी के साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही यहाँ पे अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्टूडेंट हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर द पंजाब सिविल सर्विसेज फ्रॉम फिफ्टीन फेब तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस बैच के अंदर स्टूडेंट हम बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ कवर करेंगे प्री कम मेंस या तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट और इवन फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ठीक है जी ओके ठीक है जी और भी स्टूडेंट अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में कर बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि मैम ये वाला क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट टाइम आप रिपीट कर दीजिए या ये स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आई ठीक है बहुत अच्छे से करने हैं पी वाई क्यू सो दैट हम पूरी अच्छे से रेडी कर सकें हमारा पी और कोई चांस ना लें कि हमारा प्रेलिम्स रुके ठीक है जी ओके so, okay. ठीक है स्टूडेंट मैं सेशन यहाँ पे कर रही हूँ ओवर थैंक यू थैंक यू सो मच हैव नाइस डे